गुलबर्गा शहर में गवर्नमेंट के आदेश पर आरटीओ ऑफिस की जानिब से जगत सर्कल से तिम्मापुरी सर्कल तक एयर पोल्यूशन कंट्रोल अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया है। एयर पोल्यूशन कंट्रोल अवेयरनेस प्रोग्राम के दौरान आरटीओ ऑफिसर्स ने गुलबर्गा शहर की आवाम से एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने की गुजारिश करते नजर आए हैं। आरटीओ ऑफिसर्स ने कहा, एयर पोल्यूशन बढ़ने की वजह से छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक कई नई किस्म की बीमारियां देखने को आ रही हैं। यह हम सब की जिम्मेदारी है, एयर पोल्यूशन को जितना हो सके उतना कंट्रोल किया जाए। इस प्रोग्राम के दौरान आरटीओ ऑफिसर्स के साथ मोटर ड्राइविंग स्कूल यूनियन के जिम्मेदार भी मौजूद थे। मेरा नाम जीएस करोर, सीनियर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर हूँ कलबुर्गी आरटीओ ऑफिस में। मैं पहले ये गुलबर्गा की नागरिक और सूफी संत लोगों को और शरण लोगों को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। मेरा एक आरटीओ ऑफिस का नौकर हो नाते होते मैं ये लोगों के सामने रिक्वेस्ट करता हूँ, ये महीना नवंबर महीना सरकार के आदेश के अनुसार और हमारा डिप्टी कमिश्नर फॉर ट्रांसपोर्ट एंड सीनियर आरटीओ और जॉइंट कमिश्नर फॉर ट्रांसपोर्ट गुलबर्गा इसका मार्गदर्शन में ये महीना वायु मालिन्य मासाचरण हम पहला है। ये इसमें मैं गुलबर्गा के नागरिकों को ये आग्रह करता हूँ, अब करोना जैसा ये वायु मालिन्य भी आपका दरवाज़ा खटखटाते हैं एक दिन, ये हम रोकना है तो हम अनावश्यक वाहन को रास्ते में नहीं यूज़ करने का है। अगर हम कम से कम हम आदमी कैसा विश्रांति लेते हर संडे, ऐसा वाहन को हफ्ते में दो बार तो खड़ा करके विश्रांति देना और रास्ते पे चलाते वक्त वाहन को अल्टरनेटेड ईंधन यूज़ नहीं करना और कलबरी के ऑयल यूज़ नहीं करना, और जब रेड सिग्नल ट्रैफिक में आता है तब गाड़ी स्विच ऑफ करके वायु मालिन्य रोकना, और इससे ईंधन भी सेव होता है। और अनावश्यक सिंगल सिंगल व्हीकल यूज़ करके ईंधन भी वेस्ट होता है और वायु मालिन्य भी बढ़ता है, इसलिए जब काम रहता है मास ट्रांसपोर्ट जैसा यानी KSRTC ऐसा कैसे स्कूल बसेस ऐसा मास ट्रांसपोर्ट कौन सा है, वो मास ट्रांसपोर्ट यूज़ करना। और इसके बचाने के लिए अब ये इसके वजह से हमारा हार्ट के ऊपर प्रॉब्लम होता है, लंग्स के ऊपर प्रॉब्लम होता है, ये इसके वास्ते हॉस्पिटल बिल बचा भी सकता है हम वायु मालिन्य रुके तो, इसलिए हम वायु मालिन्य रुकना चाहिए, ये बड़ा होते ही हम रुकना चाहिए, इसलिए हम आरटीओ ऑफिस कलबुर्गी से ये जागरूकता कार्यक्रम ये हम ये करें हैं। अब आगे हम सब लोगों के लिए जागृत फैलाने के लिए हम एक एक कार्यक्रम ये करे सो है, ऑनलाइन में स्टूडेंट्स को हम इसके बारे में जागृति करेंगे, हमारा आरटीओ ऑफिस में इसके बारे में जागृति करेंगे और हर गांव-गांव को जाके हम जागृति करेंगे, इसलिए सब लोग आप हमारे साथ हाथ मिलाए। और ये काम सिर्फ सरकारी अधिकारियों से नहीं होता, इसलिए ये गुलबर्गा के ये क्या सूफी संत है, हमारा स्वामी लोग है और हमारा दरगाह के सज्जादा लोग है, ये भी थोड़ा हाथ मिला के हमारा कलबुर्गी नागरिकों को थोड़ा जागृत करना चाहिए। अगर सूफी संत लोग और स्वामी लोग थोड़ा ये करे तो लोग उसका बात सुनता है, इसके बारे में उसको मैं पांव छू के मैं भिक्षा मांगता हूँ गुलबर्गा के नागरिकों को ये वायु मालिन्य से बचाने के लिए, उसको जागृत करने के लिए मैं स्वामी लोगों को और सज्जादा लोगों को आग्रह करता हूँ। वायु मालिन्य नियंत्रण मासाचरणे अंगवागि ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ನವಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮಾಸ ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳನ್ನು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಸಾಚರಣೆಯನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಇದರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಈ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಏನು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಎಂಜಿನನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅದರ ಒಂದು ದುರಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಮಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಬಸ್ಸು ಟ್ರೈನ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಬ್ಗಳ ಪರ್ಮಿಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು.
ಆಗ ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಪ್ರಮಾಣನು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಈ ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದೆ ಆಗತಕ್ಕಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ ಅಸ್ತಮ ಬರತಕ್ಕಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗತಕ್ಕಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅವರು ವಾಹನವನ್ನ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಮಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಂದು ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರು ಅವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಈ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಕಲಬೆರಕೆ ಇಂಧನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು ಕಲಬೆರಕೆ ಎಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು ಅಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ।